अब वो स्वयं बताएंगे कि क्या षड्यंत्र रचा है उन्होंने। अब ना तो वसुदेव बचेगा, ना देवकी बचेगी, और ना ही बचेगा उनका आठवां पुत्र, ना ही बचेगा उनका आठवां पुत्र, ना ही बचेगा उनका आठवां पुत्र। तब तो हमें सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए ना। हाँ भैया, परंतु यशोदा को जब ये पता चलेगा कि हमने सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि उसके लल्ला पर आए संकट अभी टलोना है, क्योंकि कंस 10 दिवस से कम आयु वाले बालकों की हत्या करवा रहा है। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि विष्णु को पता चल गया तो? यदि आपने अपने बहन और बहनोई को बता दिया कि आपको उनके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है, तो ये सूचना विष्णु तक भी पहुंच जाएगी और वो सावधान हो जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप? कर बैठा रहूं और होने दूं जो हो रहा है? नहीं महाराज, क्रोध में आकर देवकी और वसुदेव को दंड मत दीजिए, अन्यथा नंद सतर्क हो जाएगा और उस अवतार को लेकर भाग जाएगा। इस समय आपकी तलवार का लक्ष्य केवल और केवल वो बालक होना चाहिए। अपने शत्रु पर ध्यान केंद्रित कीजिए महाराज। उचित कहा महारानी। अब मुझे पता लगाना होगा कि वो बालक गोकुल में है भी या नहीं, और उसके लिए करनी होगी मुझे एक उचित व्यक्ति की खोज। तो उसे तो लल्ला को कुछ हो ना जाए इस डर से अपनी सुध-बुध खो बैठेगी, न शांति से सोएगी न कछु खाएगी। लल्ला की चिंता में अपना सुख चैन सब गवा देगी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसे इतने बरसों बाद भैया बनने को सुख मिला। उसे जो प्रसन्नता मिली है वो उसे छोड़ दिन रात लल्ला की सुरक्षा में लग जाएगी। एक माँ से इस भय के कारण उसकी ममता छिन जाएगी, और जे मैं होने ना दूंगा। परंतु हमें सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। करेंगे ना भैया, भवन के चारों ओर प्रहरी बिठाएंगे, गोकुल के मुख्य द्वार पर भी। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि यशोदा को कछु पतो ना चले। अब तो पता चल गया। सब सुन लियो है मैंने। ना भैया, सही कह रहे हैं, सुरक्षा तो बढ़ाना ही पड़ेगी, बहुत आवश्यक हो गए जी। राम जाने संकट अभी पूर्णतः टलो भी है कि ना, और हमें तो जे भी ना पता कि उस पूतना को भेजा किसने था। सुनो जी, हमारे लल्ला पर अब तनिक भी आंच ना आनो चाहिए। वो पूतना स्वयं आई थी या उसे किसी ने भेजो था, उससे कोई अंतर ना पड़ता। आप बस चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दो, कोई भी बाहरी व्यक्ति कोकुल में प्रवेश ना कर पाए। भवन की ओर आते हुए मार्ग पर मुख्य द्वार से लेके प्रथम देहरी तक, बाहर गौशाला पर सब ओर। सुधा चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूं। जानती हूं। मैं बाहर जाकर पंछी और ओला से पूछ करता हूं। ठीक है। जानती हूं
किंतु जे मन है कि मान तो ही ना है। आप बस चारों ओर प्रहरी बैठा दो, जो हर क्षण पहरा दे, उनकी आज्ञा के बिना आकाश में भी पंछी पर ना फैला पाए। बस कछु पतो ना है तो ये इतना घबरा रही। अच्छा युवा इसने ना सुना कि इस सब के पीछे कंस है, नहीं तो राम जाने क्या होता इसका। हाँ लल्ला, अब एक क्षण के लिए भी बिना निगरानी के ना रहने दूंगी तुझे। ये क्या हो गया मैया को, फिर से इतना घबरा रही है? क्या सोच रहा होगा जे? यही ना कि इसकी मैया इसकी सुरक्षा भी ना कर पाए। अरे यशोदा, ऐसा कछु ना सोच रहा हमारा लल्ला। देखो कैसे टुकुर टुकुर निहार रहा है तुमको। वही तो मैं कह रहा था बाबा। क्यों हंस रहे जे? ऐसा क्या देख लिया लल्ला? है? पता है लल्ला क्या कह रहा है? लल्ला कह रहा है कि हमें भगवान नारायण में सदैव विश्वास रखना चाहिए। बड़ी हंसी आ रही है तुझे, क्यों रे? इतनी प्रसन्नता का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। बता लल्ला, बता, अपनी मैया को ना बताएगा? ये क्या कर रहे हो चंद्र? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने आपके ध्यान में बाधा डाल दी। श्री विष्णु अवतार के बाल स्वरूप की किलकारियां सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं बार बार झुककर उनकी एक झलक पाने की चेष्टा कर रहा था। क्या इतनी अद्भुत है उनकी मुस्कुराहट? उनकी मुस्कुराहट तो चंद्रदेव की आभा से भी अधिक है। और रूप तो ऐसा प्रभु कि उन्हें कितना भी देखें ना आंखें थकेंगी और ना ही मन। तुमने कब देखा? उनके षष्ठी पूजन पर प्रभु। और आप, आपको यह सौभाग्य मिला या नहीं? मैं तो उनकी बहन हूं प्रभु, मैंने देवी योगमाया के अवतार रूप में उन्हें गोदी में खिलाया भी है। वो कैसे हैं देवी? क्या मेरे प्रभु श्री राम के समान है वो? समान है, फिर भी भिन्न है प्रभु।
श्री राम ने दिन में जन्म लिया था, श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में लिया। श्री राम की आंखों में सत्य की शीतलता थी, श्री कृष्ण की आंखों में न्याय की अग्नि है। श्री राम की मुस्कुराहट शांति की परिचायक थी, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट आशा की संचारक है। मुझे उनसे मिलना ही होगा, उनकी मधुर मुस्कुराहट का आनंद लेना होगा मुझे। चाहे जो हो जाए, वो फटते ही जाऊंगा उनसे मिलने। लल्ला, कहीं तो मेरा उपहास तो ना उड़ा रहे हैं, हाँ? लो कर लो बात, मैं उपहास क्यों करूंगा मैया, मैं तो खिलखिला रहा हूँ क्योंकि अब वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। आपको बड़ा आनंद आ रहा है इसके उपहास उड़ाने पर। लल्ला देख, अपनी मैया को उपहास मत उड़ा, सो जा, सो जा। तेरी मैया सदैव तेरी रक्षा करेगी, किसी का भी बुरा साया तेरे पर ना पड़ने देगी, चाहे जो हो जाए। आ गए सूर्यदेव, अब मुझे चलना होगा देवी। प्रभु, वहां जाकर कुछ लाभ नहीं होगा। कल ही पुतना ने आक्रमण किया है, मैं जानती हूं यशोदा को, वो पहले ही बहुत अधिक चिंतित रहती थी नीलमणि को लेकर, और कल के इतने बड़े संकट के बाद तो वो किसी की छाया तक नहीं पड़ने देगी अपने पुत्र पर। तो फिर कुछ दिन रुकना ही उत्तम होगा प्रभु। भोला बंसी, ये कहा चल रहे है? भाभी जी पहरा दे रहे हैं। जी हाँ। ऐसे दोगे पहरा? ऐसे ना तो पीठ सीधी ना ही दृष्टि सतर्क, ऐसे पहरा दोगे? यशोदा जी, लल्ला कैसा है? हम सब उसी को खिलाने आए हैं। हाँ भाभी। ना 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 ना, अभी उठो ही ना है, आप सब कल आ जाओ। हाँ किंतु अरे सो रहे है लल्ला, जा। हाँ बोला बंसी। लल्ला ने पीला वस्त्र पहनो है, और पीले वस्त्र में दृष्टि बहुत शीघ्र लग जाता है। कल आ जाइयो। हाँ नंदलाल से भेंट को तरसे, उनमें सबके प्राण बसे, पर सतर्क और चिंतित मैया, किसी को लल्ला से मिलने न दे। आज मत रोको प्रिय, ऐसे तो वो कभी मिलवाएंगे नहीं अपने लल्ला से। 5 दिन 5 युगों के समान बीते हैं, आज 12 दिन के हो गए होंगे प्रभु। आज जाने तो पार्वती। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, जाकर देख लीजिए, पर
इस रूप में दर्शन होना बहुत ही कठिन है। एक चटाधारी, त्रिशूलधारी, नागधारी द्वार पर आकर खड़ी हो जाए और यशोदा मैया उन्हें अपने पुत्र के दर्शन कराए, यह संभव है महादेव? मैं जानता हूं देवी, इसलिए मैं जाऊंगा अपने विशेष जंगम देव स्वरूप में। जंगम देव स्वरूप तो बड़ा ही दुर्लभ है। नित्य प्रतिदिन आ जाता है तुझसे कोई ना कोई मिलने, अब तो कारण भी कम पड़ गए हैं लल्ला, क्या कहूं उन्हें? पर तू चिंता ना कर लल्ला, मैंने भी बोल दो है, मेरा लल्ला अभी तैयार ना है। पार्वती मैया सही कह रही थी महादेव, मुझसे मिलने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, भले ही आप किसी भी स्वरूप में क्यों ना आओ। आपकी चिंता का कारण है देवी, मेरे जंगम देव स्वरूप को देखकर मैया मना कर ही नहीं पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है प्रभु, बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। कितना सुंदर लग रहा है जो पोशाक तुझ पे है नीलमणि। ये हुई ना बात, नई पोशाक में और भी अधिक आनंद आएगा मैया, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है। आज मेरे सखा, मेरे भोले शंकर, मेरे महादेव आने वाले हैं मुझसे मिलने। जय 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 शिव शंभु, जय 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 बम बम भोले, जय 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 शिव शंकर, जय 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 बम बम भोले, जय 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 शिव शंभु, जय 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 बम बम ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे कोई संपदा मिलने वालों है, है रे? मिलने वाली है मैया, बस आप उन्हें मिलने देना। अपने प्रभु से मिलने आया हूं, मैं आपके द्वारे आया हूं, मैं आपको मिलने आया हूं, मैं राम को लखने आया, राम को लखने आया, राम को लखने आया। हर्ष से फूला न समाऊंगा, हर्ष से फूला न समाऊंगा, मैं दर्शन पाकर जाऊंगा, उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, मैं भजन प्रभु के गाऊंगा, मैं भजन प्रभु के गाऊंगा। क्षमा करो बाबा। बाबा आप भीतर नहीं जा सकते। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हमें स्पष्ट आदेश है बाबा, हम बिना अनुमति के किसी को अंदर ना जाने देंगे, नहीं तो बाबा हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मैया यशोदा, द्वार पर जोगी आया है, झोली भर दो मैया। चिंता की कोई बात नहीं है मैया, ये तो मेरे सखा है, मेरे शिव। लगता है कोई जोगी बाबाओं है। मैं दान देकर आई लल्ला। पर दान में दोगी क्या मैया, उन्हें तो मेरे साथ भेंट चाहिए। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस जोगी की झोली पुकार रही है मैया, इसे भर दो। आप तो स्वयं ही इतने समृद्ध लग रहे हो बाबा, मैं आपकी झोली कौन से वस्तु से भरूं? हर्ष से, उल्लास से, प्रसन्नता से,
प्रमोद से, कुछ देर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में खेलने दो मैया। मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सखा। कृपा करो मैया, अब इस जोगी से और प्रतीक्षा मत करो। ना, जे तो मैं ना कर सकती। पर क्यों मैया? मैं बहुत दूर से मिलने आया हूँ आपके लल्ला से। बाबा जो संभव ही ना है वो मत ही मांगो आप, और जो चाहिए सब मिलेगा। ये चावल लेना, झोली लाई। मैया मेरी झोली तो अब भी नहीं भरी। मैं अभी आई बाबा। पार्वती ने कहा था बहुत मनाना पड़ेगा, ये तो आसानी से मान गई। यही तो विशेषता है इस जंगम देव स्वरूप की। हाँ हाँ, भीतर नहीं जा रहा मैं। मैया आपने लल्ला को लेने गई, अब इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ क्षण और सही। मुस्कुरा क्या रहे हो? यशोमती अपने नंदलाल को लेने गई है, अभी आती हूं। लो आ गए। लो बाबा। ले लीजिए। भौतिक वस्तुओं से मन की झोली नहीं भरती मैया, ये तो आपके लल्ला के दर्शन से ही भरेगी। बस एक बार दर्शन करने दीजिए कुछ क्षण के लिए। रुको, लो कर लो बात भोलेनाथ। देखो बाबा, जो दे रही हूँ उसे आप स्वीकार करो। मेरा लल्ला अभी बहुत नन्हा है, आपकी जब भेषभूषा से भयभीत हो जाएगो। आप मुझे क्षमा करो बाबा, आप जाओ। अपने जंगम देव स्वरूप पर बहुत विश्वास था ना आपको सखा, पर आप देवों के देव महादेव हैं, तो मेरी मैया भी कुछ कम नहीं है। पर मैया मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ, ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने, राक्षसी निकली वो। अब क्या करोगे सखा, कैसे मिलोगे मुझसे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.